तो हे गाइस, वेलकम बैक टू चैनल बारीकर सर्विसेज। दोस्तों, जैसे कि मैं पिछले वीडियो में आपको बताया था कि एक फ्री हैंड आउटलाइन ट्यूटोरियल वीडियो आने वाली है जल्दी, तो इस वीडियो एक फ्री हैंड आउटलाइन ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है जो कि बिगिनर के लिए बहुत हेल्पफुल होगा। तो मैं पहले से ही इंटरनेट से मैं फोटोग्राफ को डाउनलोड कर दिया हूँ। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे श्री कृष्ण भगवान की फोटोग्राफ, जो कि इनकी ही एक आउटलाइन ड्रॉ करेंगे और बाद में इनकी ही एक सेटिंग ट्यूटोरियल वीडियो आने वाली है। तो अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे ही आर्ट रिलेटेड वीडियो आगे भी आपके लिए लाऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि मैं पहले से ही श्री कृष्ण भगवान की फोटोग्राफ को पिक्सआर्ट की मदद से ब्लैक एंड व्हाइट बना चुका हूँ। तो अब क्या करनी है, जो भी डार्क डार्क लाइन है, जो ब्लैक लाइन है उसको ही ड्रॉ करनी है। जैसे कि आई का इस पार्ट जो डार्क लाइन है उसको ड्रॉ करनी है। मुकुट के निचले हिस्से के जो भी डार्क लाइन है उसको ड्रॉ करनी है, और जो भी दिख रहा है जो डार्क लाइन है उसको ही ड्रॉ करनी है, और बाकी पार्ट को छोड़ देनी है। उसको बाद में सेटिंग करेंगे, और जो भी ज़्यादा सेटिंग पार्ट है उसको थोड़ी सी सेटिंग देंगी, क्योंकि बाद में उसको ड्रॉ करने में कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो आउटलाइन शुरू करते हैं। फेस थोड़ी सी टेढ़ी है, इसलिए मैं टेढ़ी लाइन एक खींच रहा हूँ, और मैं आँखों का लाइन भी खींच रहा हूँ और नोज का लाइन भी खींच रहा हूँ। तो मैं अभी जो दोनों आई का जो गैप है उसको मेजरमेंट कर रहा हूँ, पेंसिल से वो दे रहा हूँ और आई को ड्रॉ कर रहा हूँ। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करना, नहीं तो कुछ भी समझ में नहीं आएगी। पूरा डिटेल ही देखते रहना है, उसके बाद आपको समझ आएगी कैसे फ्री हैंड आउटलाइन ड्रॉ करते हैं। उसी तरह मैं दूसरे आई को भी मेजर करके पेंसिल से उसको दे रहा हूँ किस जगह पर है, उसके बाद उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं आई को देख कर ही मैं नोज को ड्रॉ करूँगा किस जगह पर पड़ा है। तो आप देख सकते हैं मैं कैसे मेजर कर रहा हूँ और नोज को ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी बिल्कुल इसी तरह ही ड्रॉ करना है। थोड़ी सेटिंग भी दे रहा हूँ, जो भी डार्क पार्ट है उसको। अभी मैं लिप पर्सन को दे रहा हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे हो कि मैं आई को देख कर ही मैं मेजर कर रहा हूँ किस जगह पर पड़ रही है, और नोज को देख कर ही निचले हिस्से की लाइन को ड्रॉ कर रहा हूँ। जो भी डार्क लाइन है उसको ही सिर्फ ड्रा करनी है, बाकी पर्सन को छोड़ देनी है। अभी मैं आईब्रो को ड्रा कर रहा हूँ, थोड़ी सी ड्रा कर रहा हूँ, डायरेक्ट डार्क नहीं कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं आउटलाइन को ड्रा करने के लिए मैं 0.5 मैकेनिकल पेंसिल का यूज़ कर रहा हूँ। आप कोई भी एचबी पेंसिल का भी यूज़ कर सकते हैं, कोई भी ब्रांड का भी हो। जो लाइट है उसको भी ड्रा उसको यूज़ करके भी आप ड्रा कर सकते हैं। अभी मैं फेस का जो भी साइड का पार्ट है उसको मैं दे रहा हूँ। जो भी सोने का हार वगैरह है उसको मैं सिर्फ आउटलाइन ही ड्रा कर रहा हूँ। हो तो डिटेल वार, लेकिन डिटेल में ड्रा नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आउटलाइन ड्रा कर रहा हूँ। जब शेडिंग करेंगे तो उसके डिटेल वार करेंगे। जैसे कि मुकुट में भी बहुत ही डिटेल वर्क है, तो मैं डिटेल नहीं ड्रा करूँगा आउटलाइन में। जो भी डाटा लाइन है, जो मेन पार्ट है उसको ही मैं आउटलाइन की तरह देख के उसको ड्रा कर रहा हूँ। यहाँ पर मैं शेडिंग के समय ही वहाँ पर डिटेल वार करूँगा, अभी नहीं। दोस्तों, आउटलाइन से ही फेस का एक 20% प्रोपोर्शन कंप्लीट हो जाता है जो भी आप ड्रॉ कर रहे हैं। तो आउटलाइन को आप हल्के में ना लेना, आप डेली प्रैक्टिस करते रहना है, क्योंकि आप सिर्फ शेडिंग सीख जाओगे तो कोई लाभ नहीं देगा, क्योंकि आप आउटलाइन को भी ज़्यादातर टाइम देना है। क्योंकि आउटलाइन से ही आपका जो भी फेस का जो भी पोर्ट्रेट ड्रॉ कर रहे हैं उसका रियल दिखेगी। आप शेडिंग कर देंगे तो आपका शेप एंड साइज बिगड़ जाएगा। तो आप आउटलाइन डेली प्रैक्टिस करते रहना है। जितना टाइम आप शेडिंग में दे रहे हैं उतना टाइम आप आउटलाइन में ही दे, रफ सा आउटलाइन प्रैक्टिस करें डेली ही। तो मैं कहना चाहता हूँ बिगिनर को कि आप डेली प्रैक्टिस करिए, आउटलाइन ड्रॉ करने की सीखिए, उसके बाद शेडिंग ड्रॉ करना सीखिए। तो आप फ्री हैंड ड्रा करिए। फ्री हैंड नहीं हो पा रहा है तो थोड़ी सी आप ग्रिड लाइन मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं, और ग्रिड लाइन मेथड में आप थोड़ी सी बेहतर हो जाएंगी तो आप पेंसिल मेजरमेंट करके आप ड्रा कर सकते हैं फ्री हैंड में। तो आप डेली प्रैक्टिस करते रहना है, उसके बाद ही आपका आउटलाइन परफेक्ट हो पाएगी। तो आपको डेली ही प्रैक्टिस करनी है, एक एक घंटा या दो दो घंटा। अभी तो लॉकडाउन का पीरियड है, तो आप अच्छे से आप टाइम वक्त निकालो और ड्रॉ करने की कोशिश करो। पहले पहले तो नहीं होगी, लेकिन बाद में थोड़ी थोड़ी सी प्रैक्टिस करने के बाद आपका जो भी आउटलाइन है वगैरह वगैरह वो अच्छे से कंप्लीट हो जा पाएगी। तो डेली प्रैक्टिस करो। तो गाइस, अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो इस ड्राइंग की एक शेडिंग ट्यूटोरियल वीडियो होने वाली है। तो स्टेप बाय स्टेप वहाँ पर हम बताएंगे कि आप कैसे शेडिंग करोगे, किस जगह पर कैसे शेडिंग करनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।